सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। खुदावन ने संभाला है और ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिया है। आज प्रभु के वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर का अगापे प्रेम क्या है, परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है वो क्या है। और प्रभु के वचन में से आज हम इसके बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं, अगापे प्रेम क्या है, इसे अगापे प्रेम क्यों बोला जाता है, क्या अगापे प्रेम दुनिया की प्रेम की तरह है। आइए प्रभु के वचन में से जब हम देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 वचन को, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पाए। प्रिय भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र जिसे प्रभु यीशु मसीह है उसे इस दुनिया के लिए दे दिया ताकि जो कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करे वह नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पाए। यह है परमेश्वर का अगापे प्रेम, खुदावन के प्रेम था जो उसके बारे में हम आगे चलकर और गहराई से देखेंगे। इसे अगापे प्रेम क्यों बोला जाता है, इस बात के लिए हम देखते हैं जब इस वचन को हम ग्रीक भाषा में देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 वचन को। प्रेम के लिए ग्रीक भाषा में अगापा शब्द मिलता है, इसलिए परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है। प्रेम के लिए ग्रीक भाषा में अगापा शब्द मिलता है और इसलिए परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है। और इस शब्द की प्रोनाउंसिएशन जो है ए अगापा है, और इस शब्द की जो प्रोनाउंसिएशन है ओ वह अगापा है, इसीलिए इस शब्द को अगापे बोला जाता है। और प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के प्रेम को भी अगापे प्रेम बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रीक भाषा में परमेश्वर के प्रेम शब्द की जगह जो शब्द वर्तों में लाया गया है उस शब्द को अगापे शब्द बोला जाता है। प्रभु का प्रेम, पहली बात, प्रभु का प्रेम पवित्र, आत्मिक, निष्कलंक, निस्वार्थ है। प्रभु का प्रेम पवित्र, आत्मिक है, निष्कलंक है, निस्वार्थ है। प्रभु का प्रेम किसी एक से नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के साथ था। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रेम है वो किसी एक मनुष्य के साथ नहीं था, किसी एक कल्ट या एक संस्था या एक जाति के साथ नहीं था, परंतु ये प्रेम पूरी दुनिया के साथ था। प्रभु का प्रेम दुनिया के प्रेम की तरह बिल्कुल नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, जो दुनियावी प्रेम है उस प्रेम में बहुत सी कमियां होंगी, बहुत अवगुण होंगे, परंतु यीशु मसीह का और खुदा का जो प्यार है, प्रभु का प्यार है, वो इस दुनिया के प्यार की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो अगापे प्रेम दुनिया के प्रेम से बिल्कुल अलग है। बहुत से लोगों की अपनी अपनी मानसिक टिप्पणी है कि जो क्रिश्चियंस लोग हैं वह क्रिश्चियन लोग मुक्ति का, उद्धार का और स्वर्ग का लालच देते हैं। क्रिश्चियन लोग मुक्ति, उद्धार और स्वर्ग का लालच देकर लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमें उद्धार या मुक्ति के लालच ने नहीं खींचा, हमें प्रभु यीशु मसीह के इस अगापे प्रेम ने खींच लिया है, क्योंकि ये प्रेम खुदावंद ने किसी एक मनुष्य के साथ नहीं किया, ये प्रेम उसने पूरे जगत के साथ किया है। इस प्रेम ने पूरे जगत को, बहुत से मनुष्य को जो विश्वास करने वाले हैं उसके प्रेम के ऊपर, उन सब के मनों को जीत लिया है खुदावंद ने। और प्रभु ने अपना अगापे प्रेम क्रूस के ऊपर दिखाया है, प्रभु ने अपना अगापे प्रेम क्रूस के ऊपर प्रकट कर दिया है। वो प्रेम जो मनुष्य जाति के साथ था, वो प्रेम प्रभु ने क्रूस के ऊपर दिखाया है।
और उस प्रेम की एक और क्वालिटी है, जो प्रेम उसने किया उसके प्रेम जैसा किसी और ने आज तक प्रेम किया नहीं है। प्रभु ने आप भी प्रेम किया, विश्वास करने वाले को भी आत्मिक पवित्र प्रेम करने के लिए बोला है। प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले को हमारे खुदावन्द यीशु मसीह पिता ने प्रेम किया और उसके बाद हमें ये आज्ञा दी है कि तुम्हें भी प्रेम करना है। वो प्रेम जो करना है वो प्रेम तुम्हारा आत्मिक और पवित्र प्रेम हो। मत्ती की अंजील 22 अध्याय उसके 37 वचन में लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। जो परमेश्वर के साथ भी हमने पवित्र और आत्मिक प्रेम रखना है, वो भी प्रेम के बारे में प्रभु ने मत्ती की अंजील 22 अध्याय उसके 37 वचन में बोल दिया है। और मत्ती की अंजील 22 अध्याय उसके 39 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, और उसी के समान ये दूसरे भी हैं कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। प्रिय भाई और बहनों, मसीहा ने, खुदावन ने, प्रभु के वचन ने हमें इस जगह में बोला है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। ये पवित्र बाइबल प्रभु का वचन हमें सिखाता है। और लुका 6 अध्याय उसके 27 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जो सताने वाले, अपने दुश्मनों से भी, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने का प्रभु ने हमें ये वचन दिया है। और खुदावंद ने खुद आप भी अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से प्रेम किया और हमें भी ये आज्ञा दी है कि तुम सब ने अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना है, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करनी है, अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करनी है। यूहन्ना 13 अध्याय 34 और 35 वचन, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम ना रखो तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रिय भाई और बहनों, प्रेम के संबंधित बहुत से प्रभु के वचन हमें बाइबल में, पवित्र बाइबल में देखने को मिलते हैं, और कुछ वचनों को मैं आपके सामने ये रखा हूं, और इसलिए कि हमें प्रेम की कुछ अवधारणों को समझा सके। और मसीह खुदावंद ने खुद भी प्रेम किया है और हमें भी प्रेम करने की आज्ञा दी है। और जो हमारा प्रेम हो, पड़ोसी से हो, अपने दुश्मन से हो, अपने आत्मिक संगति में हो, वो हमारा प्रेम पवित्र प्रेम हो और वह आत्मिक प्रेम हो। वो प्रेम हमारा दुनिया की तरह प्रेम नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रेम जो पवित्र हो, जो मसीह ने किया, वो प्रेम वैसा ही प्रेम मसीह ने दूसरों के साथ करने के लिए बोला है। खुदावंत का मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा बहुत साहित से आशीष करे। सभी भाई बहनों को